शराब के नशे में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते देर रात को शराब के नशे में धुत एक युवक ने नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम को भेजा है, साथ ही घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईपार मोहल्ले के मुक्तिधाम के पास का है, जहां के निवासी 23 वर्षीय युवक बीरू पुत्र रमेश कुशवाहा ने नीम के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय चौकी व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची व युवक के शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वही स्थानीय लोगों के अनुसार युवक शराब का आदी था और शराब के नशे में उसने घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बारे सीओ सिटी आर के सिंह ने बताया कि खाईपार मोहल्ले में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जांच के अनुसार युवक शराब का आदी था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। रिपोर्टर नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खाईपार मोहल्ले में मुक्ति धाम के पास बीरू पुत्र रमेश कुशवाहा उम्र 23 वर्ष द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। बताया गया है कि उक्त युवक नशे का आदी था और नशे की हालत में ही उसने फांसी लगा ली है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु शव को रवाना किया गया है।